फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्ब्स पैरालिसिस के बारे में। तो ये नवजात बच्चों में जो ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, कैसे ये हो सकती है और क्या क्या इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप इसे मिस नहीं करें। और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अर्ब्स पैलसी या अर्ब्स पैरालिसिस एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये अर्ब्स पैलसी या ये अर्ब्स पैरालिसिस ये क्या होता है। तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर पार्ट में इंजरी होती है तो इसे हम कहते हैं अर्ब्स पैलसी। तो क्या होता है, हमारे जो नर्व रूट्स हैं, स्पेशली जो C5 और C6 नर्व रूट हैं, तो ये गर्दन से होते हुए, शोल्डर के माध्यम से होते हुए ये हमारे हाथों में आता है। यहाँ पे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। तो अगर किसी कारणवश आपकी गर्दन आपके हाथ से ज़्यादा दूर जाए, कोई आपको स्ट्रेचिंग ऐसा हो, तो इसीलिए कहते हैं कि नवजात बच्चों में ये होता है। तो बर्थ इंजरी के टाइम पे ऐसा हो सकता है, या डिलीवरी के दौरान इंजरी हुई और इसके वजह से अर्ब्स पैलसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कभी आप गिरे हैं और ऐसे पोजीशन में गिरे हैं कि आपकी जो गर्दन है वो एकदम दूर खिंच गई है, आपके शोल्डर से आपकी गर्दन बिल्कुल दूर होकर खिंची है, आप अपने शोल्डर के सहारे गिरे हैं, ऐसी अगर कोई भी इंजरी हो जहाँ पे आपका नेक स्ट्रेच हो गया हो, हाथ से एकदम से दूर चला गया हो, तो इसके वजह से क्या होगा, नस ज़्यादा खिंचेगी और जब वो खिंचेगी तो उसमें स्ट्रेन पड़ सकता है, स्प्रेन हो सकता है, वो इंजरी हो सकती है। और ब्रेकियल प्लेक्सस का जो ये पार्ट है, इसका अपर ट्रंक में या अपर पार्ट में जब इंजरी होता है तो इसे हम कहते हैं अर्ब्स पैलसी। तो यानी कि ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर पार्ट की इंजरी, ये होता है अर्ब्स पैलसी। तो क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारी 6 नसें आके मिलती हैं और इसीलिए ये जो अर्ब्स पॉइंट है, यहाँ पे अगर इंजरी हो तो आपके हाथों के काफ़ी सारे मसल्स में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ब्स पैलसी में हाथ एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहता है, जिसको हम वेटर स्टिप या पॉटर स्टिप हम कहते हैं। हाथों की कुछ मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जो आपका हाथ है जहाँ पे भी इंजरी हुई है, मान लीजिए राइट साइड पे इंजरी हुई है, तो राइट साइड का हाथ उठाने में दिक्कत होती है, उठा नहीं पाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि नवजात बच्चों में या बच्चों में इंजरी हो सकती है डिलीवरी के दौरान, तो वो भी एक पर्टिकुलर एक पोजीशनिंग ऐसी हो जाती है हाथों की, जिसको हम वेटर स्टिप हम कहते हैं या पॉटर स्टिप हम कहते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अर्ब्स पैलसी की प्रॉब्लम हुई हो। तो दोस्तों, अर्ब्स पैलसी, अगर हम बच्चों की बात करें, नवजात बच्चों की हम बात करें, तो इंजरी अगर थोड़ी सी हुई है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। अगर इंजरी ज़्यादा हुई है तो अकॉर्डिंगली हमें देखना रहता है कि इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है या नहीं है। तो कम्प्लीटली निर्भर करेगा कि कितनी इंजरी हुई है या नर्व कितना डैमेज हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर अर्ब्स पैलसी है तो ऐसे में क्या होम्योपैथी की कोई दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, नर्व इंजरीज में होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है आर्निका। तो दोस्तों, आर्निका अगर कभी भी आपको इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, ब्लंट इंजरी आपको हुई है, आपको धक्का लगा है, गिरे हैं और सूजन वगैरह आ गई है, वहाँ पे खून आपका इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे तमाम इंजरी में आर्निका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। आर्निका में हम देखते हैं एक सोरनेस, लेमनेस रहता है, पेशेंट जब बेड में लेटता है कॉन्स्टेंटली अपना पोजिशन चेंज करता रहता है, क्योंकि उसको कहीं भी कम्फर्टेबल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन सोरनेस का महसूस होता है। तो अगर इंजरी के बाद आपको प्रॉब्लम हुई हो, चोट लगने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आर्निका मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है हाइपेरिकम।
तो दोस्तों हाइपेरिकम हमारी नर्व की इंजरी के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। हाइपेरिकम में हम देखते हैं कि पेशेंट की जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को फील होती है, यानी चोट जितनी लगी है उससे कई गुना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। हाइपेरिकम में क्या होता है, आपके जो नर्व रिच एरिया होते हैं, जैसे हमारा फिंगर बेड, तो जहाँ पे नर्व्स की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे जगह पे जब इंजरी हो, क्रश्ड इंजरी हो, नर्व डैमेज हो रहा हो, तो ऐसे में हाइपेरिकम एक बहुत ही हमारी अच्छी मेडिसिन नर्व इंजरी के लिए, तो ऐसे में हम हाइपेरिकम को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है बेलिस्पर। बेलिस्पर में हम देखते हैं कि एक मस्कुलर पेन होना, डीप टिश्यूज़ में इंजरी होना, आपको चोट लगी हो और वो जो चोट आपको लगी है डीप टिश्यूज़ तक चोट आपका गया हो, पिंडलियों में आपको दर्द हो रहा हो, मस्कुलर पेन आपको हो रहा हो, मसल्स के बेली में आपको पेन हो रहा हो, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, फोरआर्म में आपको पेन हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ हाथों में कम महसूस हो रही है, हाथ उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है, वीकनेस आ गई है और ठंड से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जा रही है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बेलिस्पर मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी तीन मेडिसिन जो कि इंजरी के केस में एंड स्पेशली अगर नर्व इन्वॉल्व हो तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अर्ब्स पैल्सी या अर्ब्स पैरालिसिस के बारे में और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है और मेरे ऑफिस से आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।